दोस्तों आज हम देखेंगे कि आप कोटक न्यू में ट्रेडिंग व्यू चार्ट को कैसे सेव करके रख सकते हो, चाहे फिर आपका इंडिकेटर हो, कोई भी ड्राइंग हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने कोटक न्यू में लॉगिन कर लिया है। अभी यहाँ पे हम चलेंगे चार्ट पे। सो यहाँ पे मैं ट्रेड विथ चार्ट पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट टैब ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे मेरी चार्ट में यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं है, पूरा क्लीन चार्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ ड्राइंग करेंगे, फिर उसको हम सेव करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके रखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड बाकी इस नीचे यहाँ पे मैं एक सपोर्ट भी बना देता हूँ। सो जो भी ड्राइंग रहता है इसको अगर आप सेव नहीं करोगे और दोबारा से एक बार लॉग आउट करके आप दोबारा से लॉग इन करोगे, फिर आपको यहाँ पर कोई भी ड्राइंग देखने को नहीं मिलेगा। फिर से पूरा चार्ट क्लीन हो जाता है। सो ये प्रॉब्लम बहुत जन को होता रहता है, क्योंकि हर बार फिर आपको सेम टू सेम जो भी ड्राइंग रहेगा उसको बनाना रहता है, टाइम चला जाता है इस फालतू का। सो गाइस यहाँ पर देखोगे मैंने कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह बना दिया है, और यहाँ पर मैं एक इंडिकेटर को भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं EMA को सर्च करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर मैंने इस इंडिकेटर को भी लगा दिया है। अभी मुझे यहाँ पर जो भी चार्ट इसको सेव करना है, इसी लेआउट को मुझे सेव करना है। सो यहाँ पे आपको आ जाना है सेव का, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप इसी पे क्लिक कर दोगे सो इस तरीके से यहाँ पे आपको फिर सेव न्यू चार्ट लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक नाम दे देना है, जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी 50 नाम दे देता हूँ कुछ इस तरीके से इस लेआउट का। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूँगा। सो जो भी ये लेआउट रहेगा सेव हो जाएगा। अभी आप दोबारा से लॉग इन करोगे सो आपको सेम टू सेम पूरा देखने को मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और फिर से यहाँ पर ट्रेड विथ चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोबारा से आपके सामने यहाँ पे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन होते ही यहाँ पे जो भी हमारा ड्राइंग था पूरा यहाँ पे एज इट इज आ गया है। और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको नीचे लोड चार्ट लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। सो जो भी आप लेआउट सेव करोगे यहाँ पे आपको नीचे सभी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैंने निफ्टी 50 का सेव किया है, सो ये देखने को मिल रहा है। और नीचे यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी किया था कोटक लेआउट का, सो ये भी हम मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जैसे इसको मैं ओपन करूँगा सो यहाँ पे आप देखोगे इसमें भी यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग यहाँ पे सेव करके रखा हुआ था, सो वो भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। एंड बाकी गाइस आप दोबारा से जो भी आपका पुराना वाला रहेगा उसको भी आप सेम तरीके से ओपन कर सकते हो। और बाकी जो भी लेआउट है इसको अगर आपको डिलीट करना रहता है सो आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो आप इसी तरीके से जब भी आप चार्ट पे कोई भी ड्राइंग बनाओगे उसको आप सेव करोगे। गाइस अगर आप भी कन्फ्यूज रहते हो कि स्टॉक को हमें कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए, सो डोंट वरी, अभी आप stockage.com वेबसाइट पर ईजिली जो भी स्टॉक रहता है मार्केट रहता है उसको आप एनालाइज कर सकते हो कि कब उसको हमें बाय करना है और कब सेल करना है। बाकी गाइस यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी देख सकते हो, एंड यहाँ पर आपको और भी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी देखने को मिलेंगे, एडवांस यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो, और जो भी एज रिपोर्ट रहता है वो भी यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पर आपको प्री बिल्ड कुछ स्ट्रेटजी भी देखने को मिल जाती हैं। सो ऐसे यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। वैसे गाइस यहाँ पर आप देखोगे इनका प्लान है जो कि 399 रुपये का, बट गाइस यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड देने वाला हूँ जिसको लगाते ही जो भी 399 रुपये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी आप बिल्कुल फ्री में जो भी इनका मंथली प्लान इसको आप इनरोल कर सकते हो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी गाइस यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से कूपन कोड पूछेगा, सो यहाँ पर आपको कर देना RK100 करके, अप्लाई पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देखोगे कूपन अप्लाई हो जाएगा, एंड जो भी पेबल अमाउंट रहेगा 00 हो जाएगा। सो यहाँ पे आप जो प्लान रहेगा इस तरीके से डेट देखने को मिल जाएगा, 30 डेज का रहेगा, और 30 दिन के अंदर अगर आपको पसंद आता है सो इसको आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, और गाइस अगर आपको पसंद नहीं आता है सो इसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, आपको कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। सो गाइस इसको आप जरूर एक बार चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी गाइस बस आज का वीडियो यही था, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।